दुनिया में आज देखिए, ताइवान को लेकर चीन की ताजा चेतावनी। चीन और ताइवान के बीच फिर उभरा तनाव। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन के साथ ताइवान को मिलाएंगे, होगा दोनों देशों का एकीकरण। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। चीन की ताइवान को चेतावनी के अलावा कार्यक्रम में आज, खराब मानसून और बर्बाद फसल से जान देने को मजबूर होते किसान, क्या कर्ज माफी में है समस्या का हल? जंग और अशांति वाले गजा का अलग सा चेहरा इंस्टाग्राम के जरिए पेश करती एक लड़की। पहला सवाल करते ही एक लड़की कितना पढ़ी है और अपनी इतनी सारी लिस्ट पकड़ा देते हैं, तो फिर ये तो बनता है। और बताएंगे क्यों हथेली पर मेहंदी रचाकर दहेज के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग और सेलिब्रिटीज। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन के साथ ताइवान का एकीकरण होकर रहेगा और ताइवान इसे स्वीकार कर ले। मौका था ताइवान के साथ संबंध सुधरने के 40 साल पूरा होने का, पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस पुरानी चेतावनी को फिर से दोहराया कि चीन के पास ये अधिकार है कि ताइवान को अपने देश का हिस्सा बना ले और इसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल भी करे। चीन के लोग चीनी लोगों पर हमला नहीं करते, हम बहुत जिम्मेदारी का व्यवहार करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण एकीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। शांतिपूर्ण तरीकों से एकीकरण का लक्ष्य हासिल करना ताइवान के लिए और संपूर्ण चीनी राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। हम ये वादा नहीं करते कि इसके लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति और ताइवान की आज़ादी को रोकने के लिए हर संभव तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि चीन को ताइवान का राजनीतिक वजूद मान लेना चाहिए और ताइवान चीन की एक देश दो व्यवस्था की शर्त पर एकीकरण के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हांगकांग में भी की गई थी। मंगलवार को अपने नए साल के संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए 2,30,00,000 लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि आपस के मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। और चीन इस बात पर जोर देता है कि दूसरे देश या तो चीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखें या फिर ताइवान के साथ, दोनों के साथ नहीं। इस बारे में और बता रहे हैं बीजिंग से बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ। शी जिनपिंग को चेयरमैन माओ के बाद चीन का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई और जिन्होंने चीन की नियति को अपनी शख्सियत के साथ जोड़कर देखा है। ऐसे में उनके मुंह से सैन्य ताकत के संभावित इस्तेमाल के धमकी भरे बोल निकल रहे हैं कि चीन और ताइवान एक दिन एक हो जाएंगे, तो सवाल उठता है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं। जहाँ तक ताइवान की बात है तो चीन के ऐसे बयान से वहाँ घबराहट बढ़ जाती है, ऐसे में भविष्य की तस्वीर धुंधली नजर आती है, खासतौर से तब जबकि ताइवान की सेना को चीन विरोधी के रूप में देखा जाता है। उधर राष्ट्रपति साई की पार्टी को हाल के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में आने वाले महीनों में चीन के रुख पर नजर बनी रहेगी। तो चीन और ताइवान के बीच उभरा ये ताजा तनाव है। और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी का काम करती है, इसके बावजूद कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 15% का योगदान है। किसानों को भी अक्सर इसका कुछ खास फायदा नहीं होता। मौसम की मार, बर्बाद फसल, कम आय छोटे किसानों की परेशानियां इतनी बढ़ा देते हैं कि उनमें से कई तो अपनी जान तक ले लेते हैं। बीते साल किसानों के कई संगठन एक साथ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे, सरकार से बेहतर नीतियों की मांग की। चुनावी साल में कई सरकारों ने इसका उत्तर कर्ज माफी के रूप में दिया, लेकिन क्या इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। लोग मायूस हैं और गरीबी की मार झेल रहे हैं। ये किसान दक्षिण भारत से 2,500 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली में प्रदर्शन करने आए। ये सरकार से खराब मानसून, बर्बाद हुई फसल और घटती आय के लिए सहायता की मांग कर रहे हैं। 45 साल की मलिका को मजबूरन तब कर्ज लेना पड़ा जब पानी की कमी ने उनकी फसल तबाह कर दी। अब वो कर्ज के बोझ तले दबी है। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है पर पानी नहीं। मेरी बेटी स्कूल जाती है पर मैं अब उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती। मुझे करीब 2,40,000 का कर्ज लेना पड़ा पर अब मैं उसे उतारूंगी कैसे?
दूसरे इलाकों में जहां पैदावार अच्छी हुई है, वहां ऐसे बाजारों में फसल बेचने के लिए भी किसानों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी कारोबारी उन्हें काफी कम पैसे देकर उत्पाद खरीदते हैं। सरकार को सीधे हमारी फसल खरीदनी चाहिए और एक ऐसी कीमत देनी चाहिए जिसमें लागत के साथ 50% मुनाफा भी शामिल हो। ऐसे ही बाजारों में किसान दूर दूर से आते हैं, कुछ 250 किलोमीटर दूर, कुछ 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, इस आशा के साथ कि उनकी फसल का उन्हें ठीक दाम मिल सके। अब इस केले की डंडी को देखिए, यहाँ पे कम से कम 100 केले हैं। किसान को इसका 100 रुपये मिलता है, पर यहाँ के खरीदार इसे आगे 300 रुपये में बेचते हैं, और जब ये केले आप तक और मुझ तक पहुँचते हैं, इनका दाम कम से कम 600 रुपये तक हो जाता है। भारत में आर्थिक तंगी से परेशान होकर करीब 15,000 किसान सालाना आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से भारत में कई राज्यों की सरकारों को दबाव में आकर साल 2014 से चला आ रहा $1,750 अरब का किसानों का कर्जा माफ करना पड़ रहा है, पर अर्थशास्त्रियों ने इस नीति को खतरनाक बताया है। कर्ज माफी के पीछे एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति काम कर रही है। अगर मुझे पता है कि मेरा कर्ज आज माफ हो गया तो कल भी माफ हो ही जाएगा। मैं कल फिर कर्ज ले लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसे लौटाना नहीं होगा। और सैद्धांतिक तौर पर ये सवाल भी उठता है कि क्या हम ऐसा करके उन किसानों के साथ गलत नहीं कर रहे जो अपना कर्ज समय पर चुका देते हैं। प्रदर्शन के बाद घर लौटी मलिका को अब इंतजार है बदलाव का, क्योंकि उनकी सहने की क्षमता अब कम होने लगी है। देवीना गुप्ता, BBC हिंदी। कर्ज माफी की सियासत किसान समस्या का हल नहीं है। और ग्लोबल राउंडअप में आगे दिखाएंगे, सऊदी अरब में नेटफ्लिक्स को क्यों हटाना पड़ा एक शो, और क्यूबा ने अमरीका पर क्या लगाया आरोप। नासा का एक अंतरिक्षयान सौर मंडल की उस सुदूर दुनिया से होकर गुजरा जो धरती से करीब 4 अरब मील दूर है। नासा के मिशन कंट्रोल रूम में उस वक्त जश्न जैसा माहौल था जब इस बात की पुष्टि हुई कि नासा का अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स उस रहस्यमयी बर्फीले पिंड के करीब से गुजरने में कामयाब रहा जिसे अल्टिमा टूले के नाम से जाना जाता है। ये काउंटिंग नए साल की नहीं बल्कि नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्षयान के लिए है। वो उस सुदूर पिंड के पास पहुंचा है जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया था। कंप्यूटर से बनी ये छवि अल्टिमा टूले की है और यही था मिशन का लक्ष्य। धरती से करीब 6.5 अरब किलोमीटर दूर ये उस पदार्थ से बना है जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। हम यहाँ आप सबको ये बताने आए हैं कि कल रात अमेरिका के अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स ने मानवता के इतिहास में अरबों किलोमीटर दूर जाकर एक नई खोज की, और वो भी बेहतरीन तरीके से। ऐसा करने के लिए यान पर मौजूद सभी उपकरणों को सही से काम करना था, और परिणाम देखकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी तक अंतरिक्ष यान ने काफी धुंधली तस्वीरें भेजी हैं, पर आने वाले दिनों में तस्वीरें और साफ होती जाएंगी। नासा ने पुष्टि की है कि अंतरिक्षयान के पास कई हजारों तस्वीरें हैं, जिनमें से सबसे ताजा तस्वीर उन्होंने लोगों को दिखाई। आप हंस सकते हैं, पर यह पहले वाली तस्वीर से बेहतर है। तो मिलिए अल्टिमा से। तस्वीर से लगता है कि अल्टिमा टूले मूंगफली के आकार का है। एक दिन में कितना कुछ बदल जाता है। अब जाकर अल्टिमा टूले अपना रहस्य जाहिर कर रहा है, और ये तस्वीर धुंधली ही है, पर उतनी धुंधली नहीं। शोध से पता चलता है कि ये प्रोपेलर की तरह घूम रहा है। अंतरिक्षयान न्यू होराइजन सौर मंडल के लगभग किनारे तक पहुंचा और वहां से नजर आते प्लूटो की ये शानदार तस्वीरें भेजी। ये हमारे सौर मंडल के सबसे दूर दुनिया की असल तस्वीरें हैं, और जल्द ही हमें अल्टिमा टूले की ऐसी ही साफ तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी। उसके बाद टीम को उम्मीद है कि न्यू होराइजन्स अपना सफर और आगे तक ले जाएगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अध्यादेश से मंदिर बनाने की मंशा नहीं है। इसी पर हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने बताया ये कार्टून। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकिस्तान में दहेज के विरोध के लिए कैसे एकजुट हो रहे हैं लोग, और चीन का एक ऐसा पार्क जहां सब कुछ बर्फ से बना है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पाकिस्तान में दहेज के खिलाफ एकजुट हुए लोगों ने दहेज खोरी बंद करो नाम का अभियान चलाया। कई जाने माने लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसी टैगलाइन की मेहंदी हथेली में रचाकर अपनी तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। कुछ का ये कहना है कि अगर दहेज लेना या देना गलत है तो शादी से पहले लड़के की बैंक बैलेंस के बारे में पूछना भी गलत है। इस बारे में बीबीसी ने इस्लामाबाद में लोगों से बात की। पाकिस्तान में दहेज के खिलाफ जब आम लोग और सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई तो कई तबके से आलोचना के शब्द भी सुनने पड़े। कुछ का कहना है कि अगर दहेज की प्रथा गलत है तो पुरुषों से भी शादी से पहले उनकी बैंक बैलेंस नहीं पूछी जानी चाहिए। सुनिए क्या कहना है इस पर वहाँ के आम लोगों का। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर वालदैन अपनी खुशी से कुछ देना चाहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन कोई इस तरह का होना नहीं चाहिए। मेरा इसमें यही ख्याल है कि दहेज देना चाहिए, सब कुछ मांगेंगे, दो तीन ट्रक मांगेंगे, बाहर के लेंगे। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि अगर आप दहेज नहीं देते तो शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद शादी टूट जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। वो गलत है, उस पर हुकूमती लेवल पे इनको पॉलिसी एक बनानी चाहिए, जो ऐसा होता है उनको कोई सजा वगैरह उसकी मुख्तस करे, ताकि गरीब जो लोग हैं वो उनकी भी शादियाँ हो सके। वो तो पहला सवाल करते ही है कि लड़की कितना पढ़ी है, और अपनी इतनी सारी लिस्ट पकड़ा देते हैं तो फिर ये तो बनता है। ये तो पूछना चाहिए, जैसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें फिर ये तो बताना चाहिए क्या करता है क्या नहीं करता। हाँ, क्या उनका वैसे पूछना चाहिए, क्योंकि लड़की ने भी आगे अपनी लाइफ गुजारनी होती है, तो जाहिर सी बात है वो भी तो देखेगी आगे। और गजा का नाम लेते ही जहन में अक्सर हिंसा, लड़ाई, बमबारी की तस्वीरें आती हैं। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में तबाह हुए गजा में अब भी खूबसूरती बची है। नाकेबंदी की वजह से आर्थिक हालत भले ही हस्तागाहल हो गए हों, पर यहाँ अब भी जिंदगी से भरी कई कहानियां हैं जो इंस्टाग्राम की मदद से दुनिया से साझा कर रही हैं खोलूद नसार, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने इलाके की एक अलग छवि गढ़ रही हैं। गजा की जो तस्वीर दुनिया ने देखी है वो तबाही और बर्बादी की है, पर इससे इतर भी गजा की एक अलग तस्वीर है। गजा में अगर मौत का खौफ है तो जिंदगी के भी कई चेहरे हैं। जिन चीजों पर बाकी लोग ध्यान नहीं देते, मैं उसकी तस्वीर लेती हूं और इंस्टाग्राम पर डालती हूं। इन इलाकों में आकर तस्वीर खींचती हूँ ताकि दुनिया के लोगों को गजा के इतिहास और यहाँ की पुरानी सभ्यता के बारे में बता सकूँ। ये जगह सुंदर है, ये जगह जिंदगी और उम्मीद का संदेश देती है। यहाँ के लोगों को भी जिंदगी से प्यार है, यहाँ के लोगों की भी प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हैं। ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मैं इनकी तस्वीरें लोगों से साझा करती हूँ ताकि लोग इन्हें जान सकें, वो देख सकें कि यहाँ के ये फल, ये ऑलिव और वसंत का मौसम जिसमें गजा पट्टी की नर्सरी में हजारों तरह के फूल खिलते हैं। इस नाकेबंदी की वजह से गजा के लोगों का दम घुटता है, पर सोशल मीडिया वो जरिया है जिससे हम थोड़ी ही सही आज़ादी की सांस ले पाते हैं। इसके जरिए हम दुनिया में थोड़ी ताक झांक कर सकते हैं। अब तो गजा के बाहर के लोग भी पूछते हैं कि क्या ये सचमुच गजा है, क्या ये सचमुच खूबसूरत है। तो गजा में तबाही के बीच भी जिंदगी की उम्मीद अभी बाकी है। और आगे ग्लोबल राउंडअप में देखिए कहां बर्फीले पानी में लगाई जा रही है डुबकी, और साथ ही सुनाएंगे जापान के सम्राट का संदेश भी नए साल पर। तो आगे मिलते हैं ग्लोबल राउंडअप के साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का और पहली खबर डेनमार्क से। डेनमार्क में खराब मौसम की वजह से हुए रेल हादसे में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने और 16 अन्य के घायल होने की खबर है। टक्कर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई। यह रेल हादसा ग्रेट बेल्ट ब्रिज पर हुआ जो देश के जीलैंड और फनेन द्वीप को जोड़ता है। फिलहाल ब्रिज को बंद कर दिया गया है और राहत और बचाव का काम जारी है। नेटफ्लिक्स को सऊदी अरब में प्रसारित हुए अपने कॉमेडी शो पैट्रियट एक्ट को हटाना पड़ा। आरोप है कि शो के दूसरे एपिसोड में सऊदी अरब के शासकों की आलोचना की गई थी। हटाए गए एपिसोड में हास्य कलाकार मिनहाज, पत्रकार जमाल खाशोगजी की हत्या पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कथित तौर पर आलोचना कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आचरण और शब्दों से दुनिया भर में निराशा फैली है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे अपने लेख में रोमनी ने लिखा है कि उन्होंने ट्रंप की कुछ नीतियों का समर्थन जरूर किया है, लेकिन वो उनके नस्लभेदी, झूठे और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों के खिलाफ बोलते रहेंगे। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राहुल कास्ट्रो ने अमरीका पर फिर से टकराव की नीति पर लौटने का आरोप लगाया है। अब भी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख जनरल कास्ट्रो ने क्यूबा के लोगों से कहा कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। और इसके अलावा खबरों में है जापान के सम्राट अकिहितो, जिन्होंने राजमहल इंपीरियल पैलेस में हजारों लोगों से मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी। जापान के सम्राट के तौर पर ये उनका आखिरी नए साल का संबोधन था। वो अप्रैल महीने में राजगद्दी छोड़ने वाले हैं। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये साल सबके लिए पिछले साल से बेहतर होगा। मैं देशवासियों और दुनिया भर के लोगों के लिए शांति और खुशियों की कामना करता हूँ। और उत्तरी फ्रांस में इस तरह बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर नए साल का जश्न मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मौज मस्ती करने पहुंचे लोग डिनकिर्क में उत्तरी सागर के बीच पर डुबकी लगाकर गाने गाकर मस्ती करते हैं। और ये तस्वीरें हैं उत्तर पूर्व चीन के हार्बिन शहर की, जहाँ ये पार्क पूरी तरह बर्फ से बनाया गया है। पार्क में बर्फ से तराशी हुई मूर्तियां, इमारतें बनाई गई हैं जिन्हें रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी उमड़ रहे हैं। इलाके में तापमान हालांकि शून्य से 20 डिग्री नीचे तक है। और गोरी नहीं काली गुड़िया जो अफ्रीकी बच्चों को सिखा रही है अपने रंग रूप से प्यार करना, दक्षिण अफ्रीका के खिलौनों की कंपनी ने तैयार की अलग सी डॉल्स, दिखाएंगे कल शाम 5:30 बजे बीबीसी दुनिया में। और बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.